अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं, ये पूरा अल्मोड़ा सिटी है। हम लोग को जाना था ऊपर वाली रोड पे, हम चले हैं नीचे वाली रोड पे और 6-7 किलोमीटर का फेर पड़ गया हम लोग को। तो जी दर्शन अच्छे से हो गए और अब हम लोग वापस निकल लिए क्योंकि यहाँ पे अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये रहा मंदिर, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और महाराज जी ने जो बताया वो भी हम लोग को सब पता चला। और भाई मतलब यहाँ की जो बातें सुनने को मिल रही हैं वो भी अलग ही है भैया। एक रात में ऐसा मंदिर तैयार करना भाई हंसी मजाक का तो खेल है नहीं। तो यहाँ पे एंट्री हुई थी, ये जो बैरियर लगा हुआ है यहाँ पे एंट्री हुई थी और फिर हम लोग का पास बनाया गया था। पास जब बना, पास वहाँ हम लोग को मंदिर के गेट पे दिखाना पड़ा, उसके बाद में हम लोग अंदर जा पाए। और जो मेन मंदिर है वहाँ के अंदर की जो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, और ऐसा सही भी है बिल्कुल। आज हम देखिए कहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। और बाकी कैमरा की बैटरी जो है लो हो चुकी है, तो अभी मैं क्या करूँगा, या तो इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा या फिर कुछ और जुगाड़ करूँगा। और भाई धूप जो है बिल्कुल सामने मुंह पे लग रही है, इतनी तेज़ धूप है ना, कुछ कहने की बात नहीं। जितना जो है पहाड़ों पर ठंड होती है उतनी तेज़ धूप भी होती है। तो अभी सामने का नज़ारा देखिए भाई। तो भाई अभी हम लोग नाश्ते के लिए रुके हुए थे, हम लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह पी और अब हम लोग निकल रहे हैं। अल्मोड़ा बचा है 10 किलोमीटर ना, अल्मोड़ा 10 किलोमीटर अल्मोड़ा बचा है। हम लोग बागेश्वर से काफ़ी वापस आ चुके हैं, कैमरे की बैटरी डेड हो गई थी इस वजह से यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया दोबारा से, और बाकी सब बढ़िया। निकलते हैं आगे के लिए, जितना रिकॉर्ड हो पाएगा उतना रिकॉर्ड कर लूँगा। तो जी निकल चुके हैं अब यहाँ से हम लोग, मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है और बाकी सब बढ़िया है। जिस रोड से हम लोग आए थे उसी रोड से हम लोग को वापस जाना है, तो नज़ारे देखते हुए जाएंगे और रात हो जाएगी हमको लगता है कि जब तक हम लोग पहुँचेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट किया जाएगा ना बाबा। अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, सूर्य देवता ढल चुके हैं और पहाड़ों पे कुछ जल्दी रात हो जाती है और जल्दी दिन निकल आता है, मैंने ऐसा नोटिस किया है जहाँ तक है फिलहाल। जैसा भी हो फिलहाल अभी जो है अंधेरा जो है थोड़ा जल्दी हो जाएगा। टाइम अभी मेरे हिसाब से 6 बजा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अंधेरा जो है मुश्किल से 10-15-20 मिनट में हो जाएगा। बाकी हम लोग चल रहे हैं और टकर भैया थोड़ा आगे निकल गए हैं, पीछे मेरे नवांशु आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया मस्त चल रहा है अभी तक। और 390 इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड। 390 के एक्चुअली सारी बाइक्स जो हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बस रोड कंडीशंस थोड़ी सी ख़राब है। हम लोग अगर भगाना थोड़ा चाह रहे हैं, भगाना वैसे है नहीं लेकिन अगर हम लोग भगाना चाह रहे हैं तो हम लोग जो है भगा नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि रिम बैंड होने के चांसेस होते हैं जब गड्ढा ऐसा आ जाता है, तो हम लोग भगा नहीं रहे हैं, हम लोग आराम आराम चल रहे हैं। बाकी सब बढ़िया, नज़ारे बहुत प्यारे हैं और शाम को थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका है। अंदर तो मैंने अच्छा खासा पहन लिया, शर्ट शर्ट के ऊपर मैंने डाल लिया है वेंड चीटर और बाकी सब बढ़िया है। नैनीताल है 72 किलोमीटर्स यहाँ से। अल्मोड़ा पहुँच चुके हैं, ये पूरा अल्मोड़ा सिटी है और हम लोग जाएंगे अल्मोड़ा के बाईपास से, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट जो है नैनीताल तरफ जाना है, अल्मोड़ा में हम नहीं रुकेंगे, हम लोग सीधे जा रहे हैं। और बाकी सब बढ़िया, ये रहा पूरा अल्मोड़ा सिटी, हल्की हल्की लाइट्स चमकने लगी हैं। और अल्मोड़ा बाईपास पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब आप आराम से चला ही नहीं सकते। आराम से का मतलब ये है कि गड्ढे बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। डंपिंग जोन समाप्त। ओके ब्रो, एक बात मैं आपको बताऊं, पहले मैं पिछले लास्ट ईयर जो है स्पीति गया था,
तो उस पर जगह जगह पे लिखा हुआ था थैंक्स टू BRO। मैं पता है उसको क्या पढ़ रहा था पहले, थैंक्स ब्रो। मैंने कहा साला थैंक्स क्यों बोल रहा है। फिर आगे चल के पता चला कि ऐसा है भाई, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है जो वहाँ पे सड़कें वगैरह बनाते हैं। तब जो है जाके नॉलेज हुई कि अच्छा जो वो ब्रो नहीं था, वो BRO था भाई। और अभी ये जो है नवांशु निकला है। भाई अभी हम लोग के साथ हो गया अंधेरे में सीन। हम लोग को जाना था ऊपर वाली रोड पे, हम चले आए नीचे वाली रोड पे और 6-7 किलोमीटर का फेर पड़ गया हम लोग को। फेर के एक्चुअली हम लोग को फिर वापस जा रहे हैं उसी रोड से, उसी रोड पे वापस जाएंगे। और कोई दिक्कत नहीं है यार, लेट पे लेट हो रहे हैं, बस हो जाएगा ना आज, कर लेंगे, बहुत ही जाएंगे। बस ये टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, दिन होता कोई दिक्कत नहीं थी, कर लेंगे भाई रात में भी ड्राइव। तो अभी क्या सीन है कि हम लोग जो है वापस जा रहे हैं जिधर से आए थे, और 6-7 किलोमीटर का लगभग फेर पड़ गया। बीच में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने 5-10 मिनट वेट किया। यहाँ पे रोड बढ़ रही है और ये रोलर चल रहा है यहाँ पे, और ये रोड अभी नई पड़ी है तो टायर में और पहिए में चिपक रही है, बिल्कुल गरम गरम है बजरी। और अभी जो है टायर में वो चिपक चुकी हैं बजरी और कोल तार, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी टायर स्किड कर रहा है, धीरे धीरे छूट जाएंगी वो, थोड़ा सा चलाएंगे। तो भैया आप वापस अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं और अब हम लोग सही रूट पे आ गए हैं। लगभग 14-15 किलोमीटर गाड़ी हमारी फालतू चल गई, और वो भी रात में, कोई दिक्कत नहीं है, चलो पहुंच जाएंगे भाई। ओ भाई चलो बढ़िया, ये रहा अल्मोड़ा। एक्शन क्या आ रहा पता नहीं, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, नाइट का मुझे पता नहीं आता कैसा है, बाकी सब बढ़िया। चलो चलते हैं आगे। अब रात में व्यू तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, बस हम अपनी जर्नी दिखा सकते हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं नैनीताल, और अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 8:15 PM, 8:15 बज रहा है अभी, और नैनीताल हम लोग पहुंच गए हैं।